अभी जी मैं आ गई हूँ किचन में। भाभी लोग जब घर होती हैं तो कभी भी मुझे काम नहीं करने देती। मैं कभी आ जाऊँ ना तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब वो इसी तरह बैठ के खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सबका ठीक ठाक है, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज ही मुझे इमरजेंसी जरा अम्मी की तरफ जाना पड़ गया, तो मैंने कहा परिंदों को ना मैं दाना और पानी जो है ना वो ज़्यादा सारा डाल देती हूँ ताकि मुझे इनकी वहाँ पर फिक्र ना रहे। तो इनको मैंने डाल दिया, उन वालों को मैंने दाना डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, तो पानी भी डाल देती हूँ और इनको छाँव में भी उठा कर रख देते हैं। ये भी मुझे याद आ गया, भूल गई थी, फिर ना भूल ही जाना था मैंने। इधर बाद में ना धूप आ जाती है तो इनको भी हम उठा के छाँव में रख देते हैं। अब पानी भी गिरेगा, चलो एहतियात से ले जाते हैं। आ लिए जी मैंने, और पर्दे आगे कर देती हूँ, थोड़ा टाइम मुझे उधर लग जाएगा। और बच्चे भी गए हुए एडमिशन, तो मैंने उनसे कहा था कि आप लोग एडमिशन से वापस आके तो उधर नानों की तरफ ही आ जाए। अम्मी के घर कौन सी है? मैं असल में हुआ से है कि मेरी ना एक भाभी जो है ना वो मेरी फुफ्फो की बेटी है, और फुफ्फो की आंखों का ऑपरेशन था। वो गांव में रहते हैं तो वो फिर यहाँ आए थे ऑपरेशन के लिए, तो वो लोग गए हैं, भाभियाँ से गई हैं उनके साथ हॉस्पिटल। तो फिर अम्मी लोग और बच्चे घर में अकेले थे, तो मैंने कहा चलो आज का दिन हम इनके साथ गुजार लेते हैं। अभी जी मैं आ गई हूँ किचन में। भाभी लोग जब घर होती हैं तो कभी भी मुझे काम नहीं करने देती। मैं कभी आ जाऊँ ना तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। तो अभी वो घर नहीं है तो मैंने कहा चले मैं आई हूँ, तो मैं ना अम्मी लोगों को खाना बना के दे जाती हूँ। तो खाने में हम बना रहे हैं जी आलू और साथ पता नहीं क्या है, गोश्त है, चिकन है मुझे लगता है। हाँ जी चिकन है, आलू और चिकन। तो मैं इन्हें सबसे पहले धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। यही मैं दरवाजे के आगे बैठ गई हूँ, मैंने कहा जरा बाहर से हवा आएगी क्योंकि आज बड़ी सख्त गर्मी है। वैसे तो देखे ना ये पंखा भी रखा हुआ है, अम्मी के जमाने का ये छोटा सा पंखा है, तो ये चला लेते हैं। लेकिन अभी लाइट बंद हुई हुई है, दोपहर का टाइम है। लहसुन प्याज मैंने गलने के लिए रख दिया, तो मैंने कहा साथ साथ मैं जल्दी जल्दी गरम मसाला बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। गर्मी बहुत सहित है आज, और किचन में बैठ के कुकिंग करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। लहसुन प्याज गल गया तो साथ ही मैंने डाल दिए जी हरे मसाले भी। ये देखें जी, ये चूल्हा जो है ना ये मेरी शादी से पहले का बना हुआ है ये वाला, और मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला चूल्हा। लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से मैंने वहां आग नहीं जलाई थी, वरना मेरा दिल कर रहा था मैं वहां आग जला के तो खाना बनाऊं। तो बड़ी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है अपनी अम्मी के किचन में बैठ के खाना बनाते हुए। यकीन करें कोई 15 साल के बाद मैं इस किचन में खाना बना रही हूँ, 15 साल हो गए मेरी शादी को। सूखा धनिया पाउडर नहीं था तो मुझे तो इसके बगैर मसाला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो खुद ही कूट लेती हूँ चट्टू आटे में। इसका चम्मच ही नहीं है। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह जी सालन तकरीबन हमारा तैयार हो गया। पूरी रेसिपी हमने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बच्चे थे यहाँ पे, बच्चों का शोर था, तो उस वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की वहाँ से ना। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाऊंगी और उसके बाद फिर धनिया डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना बन गया जी, तो अब्बू बैठे हुए थे तो मैंने कहा अब्बू को दे देती हूँ क्योंकि उन्होंने फिर नमाज पढ़ने चले जाना है, बाकी लोगों को बाद में देंगे। अम्मी लोगों का किचन ऊपर है, सब लोग नीचे बैठे हुए, मैं अब्बू को नीचे खाना देने जा रही हूँ। अबू इसी तरह बैठ के खाना करते हैं, इनकी फिक्स कुर्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चों ने खाना खा लिया, ये दो रह गई थी, और इनके काम देखें जी, इतनी गर्मी में भी ना बच्चों को गर्मी नहीं लगती है, इतनी गर्मी में भी क्रिकेट खेली जा रही है मौसम। ओहो खाने में ना आ जाए कहीं जनाब, सब रुको। भाई ने मुर्गियां रखी हुई हैं, ये पांच हैं जी, पांच मुर्गियां हैं और एक मुर्गा, तो एक मुर्गी भी बाहर निकल गई ना तो ये मुर्गा शोर करने लगा था। तो अभी किसी ने ये पिंजरा इधर उधर कर दिया था तो एक मुर्गी बाहर चली गई थी, अभी उसको सुकून हो गया, अंदर लेके चला गया सब। और की नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने कहा नमाज पढ़ लेती हूँ, और कमरे में बच्चे थे सारे, तो बच्चों ने सही आज मौज मस्ती की है, उनकी अम्मियाँ घर नहीं थी तो फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर मैं सारी बच्चियों को साथ लगा के भी सफाई करवाती हूँ, तो जोर की नमाज पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर किसका हाथ? सही बता दिया, बिल्कुल वही सही बता दिया भाई साहब ने, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी भाई है मेरा, यहाँ पे ए सी लगा के दे गया, भाई कहते हैं गर्मी बहुत है तो आप लोग यहाँ पे चिल करो, तो बच्चे सारे कहते हैं कि बुक्को आज आप इतने दिनों पर आएंगे तो चले गेम खेलते हैं, तो अभी आयजा ने बिल्कुल सही बता दिया कि सबसे ऊपर सदर का हाथ। आयजा वजन तो नहीं था ज्यादा, मुझे तो डर लग रहा था, मैंने कहा इतने हाथ आ गए कि आयजा मर ही ना जाएगी। बड़ा अच्छा लगता जी अपनी फैमिली में बैठ के, अपने बहन भाइयों में, भतीजे भतीजियों में बैठने का तो एक मजा ही अलग होता। ये मेरी भतीजी है जी, छोटे भाई की बेटी है, तो ये सुबह गिरी है चूल्हे पे तो इसका हाथ जल गया ना, इतना रोई है, इतना रोई है। मामा इसकी घर नहीं थी तो अभी इंजेक्शन लगवा के इसको सुलाया, तो अब कुछ थोड़ा आराम से सोई हुई है। घर आ गई हूँ जी मैं, तो बाहर की चाबी मेरे पास थी लेकिन अंदर की चाबियां एक बाल साहब लेके वो कहीं काम से गए हुए हैं, तो चलो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गई। असल में वहाँ पे सारे आ गए थे, बुक्को आ गई थी ऑपरेशन करवा के, तो काफी रश हो गया था, तो इसलिए फिर आगे रिकॉर्डिंग नहीं की। अब हमें दीजिए इसके साथ इजाजत, गौ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।